वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। संसार की अनुप्रेक्षा, ये चारों अनुप्रेक्षाओं से अपने आप को विरक्ति में लाना। अब धर्म ध्यान की लेशाओं को वर्णन करते हैं। धर्म ध्यान में स्थित ध्याता के ध्यान के समय पित्त, पद्म और शुक्ल, ये तीन लेशाएं होती हैं। छह लेशियाँ हैं, कृष्ण, नील और कापोत। आर्त और रौद्र में दोनों होती है, रौद्र में बहुत तीव्र होती है, आर्त में कम होती है। अब धर्म ध्यान वाले में और शुक्ल ध्यान में भी है, इसमें पद्म लेशिया, पित्त लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, ये तीनों धर्म ध्यान वाले में होती है। परिणामों के आधार पर वे तीव्र या मंद होती है। इसमें परिणाम मंद होती है, जैसे चाशनी आपकी तीव्र और मंद होती है, ऐसे इसमें परिणाम अपने भाव की दशा कैसी है उसके आधार पर चलती है। इनमें से प्रथम तीन अशुभ, अंतिम तीन शुभ। छह लेशा में तीन अशुभ है, तीन शुभ है। धर्म ध्यान के जो पित्त आदि तीन शुभ लेशा होती है, ये क्रमशः विशुद्धि को प्राप्त होती है। पित्त लेशा की अपेक्षा पद्म अपेक्षा शुक्ल लेशा उत्तरोत्तर विशुद्ध है। इनमें प्रत्येक तीव्र, मध्यम और मंद भेदों वाली। अब धर्म ध्यान के प्राप्त होते जीव के तीव्र, मंद आदि भेदों के लिए क्रम विशुद्धि को प्राप्त हुए पित्त, पद्म, शुक्ल लेशा है। धर्म ध्यान के लक्षणों का प्रतिबंध, आप धार्मिक हो या नहीं हो, आपके लक्षण क्या है, यहाँ पे शास्त्रकार कहते हैं, आगम, उपदेश, आज्ञा और निसर्ग के अनुसार आचरण करने वाली जो जिन प्रतिपादित भावों, तत्वों, पदार्थों में श्रद्धा है, वह धर्म ध्यान का लिंग है। तात्पर्य है कि आगम रुचि, अगर आप धार्मिक हो तो आपको जिनवाणी में रुचि होगी, जिनवाणी के विपरीत कभी नहीं जाओगे। उपदेश रुचि, जो जिनवाणी का उपदेश है, और आज्ञा, भगवान की आज्ञा में रुचि होगी, और निसर्गिक सहज रूप से अंदर से आपको रुचि जागृत होगी। अभी आपकी आपकी रुचि किसमें है, आप बैठे हैं यहाँ और रुचि संसार में है, तो खाली हम 11 दिन का एक प्रयोग पूरा करके जाते हैं, वापस वहीं लग जाते हैं। लेकिन हम बैठे संसार में हैं लेकिन रुचि धर्म में है। आज किसी मजबूरी के कारण शिविर में नहीं आ पाए, लेकिन अंदर में आपकी पूरी रुचि, क्लास यहाँ चल रही है पर आप घर में बैठे भी ध्यान कर रहे हैं, और जिसकी रुचि नहीं है उसको किसी ने धक्का मार के यहाँ भेज दिया तो वो कहता है कब पूरा और कब मैं यहाँ से निकलूँ, है ना। तो धर्म ध्यान की आपके अंदर लक्षण है तो ये चार रुचि आप में पैदा होगी, आगम रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि और नैसर्गिक रुचि। आगम रुचि का दूसरा नाम सूत्र रुचि भी है। सूत्रों का संकलन आगम कहलाता है। आगम में तत्वार्थ का ज्ञान हो जाता है जिसमें संसार से विरक्ति होती है। तत्वार्थ का ज्ञान बोध क्यों लेना है, कि संसार से आपको विरक्ति हो, वैराग्य हो। तत्व का बोध होने पर सत्य क्या है आप मालूम पड़ जाता है, फिर असत्य में आप उलझोगे नहीं, सत्य की ओर बढ़ोगे। और विरक्ति से क्या होगी, आत्मविशुद्धि होगी। आगम रुचि या सूत्र रुचि उसे ही होती है जिसे मुक्ति प्राप्ति के लिए लोक में विरक्ति हो जाती है, मुक्ति की इच्छा हुई और लोक से विरक्ति होगी, उसी को आगम रुचि होती है। इसलिए वह आगम के अनुसार आचरण करता है। खाली आगम पढ़ने नहीं है, जो जिनवाणी में बताया या आपने को यहाँ 11 दिन के शिविर में जो जिनवाणी आई और उसमें जो बोध दिया है, उसमें जीने की रुचि पैदा करते हैं। एक तो भय से कर रहे हैं, एक रुचि होगी। अब चाहे कितने आकर्षण आए, हम उस तरफ जाते ही नहीं, हमारा मन ही नहीं करता, चाहे सारा आकर्षण पड़ा, लेकिन हमारी रुचि हमको उस तरफ ले जाती है। जो जिनवाणी में भगवान ने आज्ञा दी है, जो बताया है, उसमें रुचि होना। लोक विरति संस्थान विचय से होती है। संस्थान विचय ध्यान का ही अंग है। चार जो आगे विचय बताए, ध्यान बताए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, उस वो करोगे तो ये चार रुचियाँ पैदा होगी। वो ध्येय है और ये उसका परिणाम है। उपदेश रुचि, जिसमें सही दिशा का निर्देशन हो उसे उपदेश कहते हैं। सही दिशा का अर्थ है जिस ओर चलने से सही लक्ष्य तक पहुँच जाता है। यानी पुरुषार्थ तो खूब कर रहे हैं पर मिथ्यात्व की ओर कर रहे हैं, उल्टी दिशा में कर रहे हैं। जाना मुंबई और जा रहे हैं कश्मीर की तरफ, तो कभी पहुंचोगे नहीं, दूरी बढ़ती ही चली जाएगी। ध्याता का लक्ष्य आत्मा के दोषों से मुक्त होकर के शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करना है। ध्याता का लक्ष्य क्या है, कि आत्मा में जो भी दोष आ गए उनको दूर करके अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित होना है। जिस वितराग वाणी में ज्ञान से, जिस धर्म ध्यान से आत्मा के शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होती है, वह उपदेश कहा जाता है। उपदेश दो प्रकार ग्रहण किया, स्वानुभव से और दूसरे अनुभव बोध के श्रवण से। एक तो खुद साधना करते हुए अनुभव आया और एक अनुभव बोध के श्रवण से, जो जिनवाणी श्रवण की, अनुभवियों की वाणी श्रवण की और उसके बाद में अनुभव आया। भोगाशक्ति को कर्म बंधन का कारण जानकर छोड़ने वाले व्यक्ति को उपदेश ग्रहण की योग्यता रखता है। उपदेश की पात्रता किसकी है, कि जिसको भोग आसक्ति वाले साधन है उनको मैं संसार का कारण छोड़ के, कर्म का कारण मान के उनका वो त्याग करता है, तो उसकी उपदेश को ग्रहण करने की रुचि होती है, रखता है। उपदेश ग्रहण रुचि उसी को होती है। कर्म विपाक से विभत्स परिणाम को जानकर उससे मुक्ति चाहता है। कर्म विपाक अपाय विचय धर्म ध्यान का अंग है। कर्म विपाक अपाय विचय जो है उसका
जो उसके भीतर में उतरेगी उसको उपदेश में रुचि पैदा होगी। उपदेश रुचि धर्म ध्यान की अभिव्यक्ति करने वाला लक्षण कहा गया क्योंकि वह जिनवाणी के उपदेश के अनुसार आचरण करता है। आज्ञा रुचि वितराग पूर्वी धर्म आज्ञा है। आज्ञा के अनुसार तत्वार्थ में रुचि और संसार व्यवहार में उदासीनता का आचरण करना आज्ञा रुचि है। रुचि ग्रहण किए गए विषय होती है तो अग्रहित में नहीं। इस न्याय से आज्ञा में रुचि तभी होगी जब आज्ञा का ग्रहण होगा। आज्ञा ग्रहण आज्ञा विजय से ही संभव है। यहाँ आज्ञा रुचि की आज्ञा विजय है। आज्ञा विजय धर्म ध्यान का अंग है, अतः आज्ञा रुचि धर्म ध्यान की अभिव्यक्ति का लक्षण कहा गया है। आप में आज्ञा का वो जो विषय का ध्यान किया है तो आपके भीतर में आज्ञा में रुचि पैदा होगी। चार के साथ चारों रुचियों का संबंध स्थापित किया। और निसर्ग रुचि ज्ञानावरणीय दर्शन मोह के क्षेपण से सहज भाव से स्वभाव से रुचि होना निसर्ग। कई लोगों को नैसर्गिक रुचि होती है, आपको किसी ने उपदेश दे दिया, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन भीतर से ही उनको रुचि, वो नैसर्गिक रुचि है। विषय भाव या विभाव से विरति होने से स्वतः स्वभाव में रुचि होना विसर्ग रुचि है। जिसे आत्मरोध ध्यान कटु लगते हो, हिंसा झूठ चोरी परिग्रह कुशील क्रोध मान माया लोभ आदि में अरुचि हो, अहिंसा सत्य अस्ते परिग्रह परिमाणशील शांति संयम रूप स्वधर्म में रुचि हो, वही नैसर्गिक रुचि है। जो यह धर्म ध्यान का लक्षण है, निसर्ग रुचि अपाय विषय का परिणाम है, अतः निसर्ग रुचि को धर्म ध्यान का ही लक्षण माना है। अब धर्म ध्यान का उपसंहार सार, इतना जो हमें धर्म ध्यान की बात की उसका सार बता रहे हैं। जो जिन और साधु के गुणों का कीर्तन करना, यानी जिनेश्वर भगवान की वाणी को जानता है, जिनेश्वर भगवान के महत्व को जानता है और उसके मार्ग पर चलने वाले जो पंच परमेष्टि में साधु भगवंत हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, उनको जानता है, अब भक्ति भाव से होकर के उनका कीर्तन करता है, प्रशंसा करता है, विनय करता है, दानशील तब भावना ज्यादा ना दान कर देता है तथा श्रुतशील और संयम में रत रहता है। यानी जिनेश्वर भगवान अब वो नहीं चल पा रहा है तो आगे जो जिनेश्वर भगवान उच्च स्थिति पे पहुंच गए और जो साधु भगवान तो साधना में आगे बढ़ रहे हैं, उन सब की भक्ति करता है, उनकी आज्ञा में रहता है, उनके साथ रह करके सत्संग करता है, उनका विनय करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनको दान देता है और श्रुतशील जिनवाणी का जो सार है श्रुतशील का पालन करता है और संयम में रत रहता है। ये धार्मिक व्यक्ति के लक्षण हैं। आपको धर्म ध्यान जीवन में घटित हुआ तो ये गुण आएंगे। क्या गुण आएंगे? जिनेश्वर भगवान के प्रति समर्पण का भाव आएगा, साधु संतों के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और आपको दान देने का भाव करेगा। जो भी गुणी व्यक्ति मिलेगा उसकी प्रशंसा करोगे, उनका विनय करोगे और शील और संयम में आगे, श्रुतशील संयम में आगे बढ़ते चले जाओगे। कई लोग खाली जो पुस्तकें पढ़ के धार्मिक बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा को तो नहीं बढ़ाते हैं बल्कि सारे को दोष देते हैं। आज के साधु ऐसे हैं, समाज ऐसी है, ये ऐसा है। अगर आपकी नेगेटिव सोच जा रही है तो आप धर्म ध्यानी नहीं हो रहे हैं बल्कि अपनी श्रद्धा को खराब कर रहे हैं। जो आप यहाँ पर आते हो तो आपकी श्रद्धा बढ़ती है कि घट रही है, बोलो। चाहे साधु कैसा भी है, इस दूत में, इस रूप में आया है ना, भगवान का दूत बन के आया, मैं उसको नमन करके मेरे जीवन में कब संयम आएगा, मेरे जीवन में कब पंचमावृत आए, पंचमी तीन गुप्ति कब आए, मैं कब आराधना करूं, मैं तो आज संसार में अटका हूं और जो निकले मैं उनकी निंदा क्यों करूं। हाँ, अगर वो विनयपूर्वक हमारी कोई बात सुनना चाहते हैं तो हम उनको साधना का मार्ग बताते हैं। ले तो अच्छी बात है, नहीं ले तो भी हमारी तरफ से उनके लिए मंगल की कामना है। हम उसकी निंदा दूसरों के पास जाके नहीं करेंगे, क्या साधु है ऐसे, उस संख्य से, उस संख्य से। कोई धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है उसकी श्रद्धा भाव बढ़ती है, संयम में आगे बढ़ता है और विनय भक्ति करके आगे बढ़ता चला जाए, किसी दूसरे प्रपंच में नहीं पड़ता। आत्मार्थी व्यक्ति को क्या लेना है, सिर्फ जहाँ से सब में आत्मा देखता है उनमें आत्मा देखता है, अपनी साधना का पोषण मिल रहा है, ठीक है, नहीं तो उनकी भक्ति करके आगे निकल जाता है, अपने को किसी और प्रपंच में पड़ना ही। धर्म ध्यान के निरूपण के पश्चात शुक्ल ध्यान का निरूपण करते हैं। जिन मत में क्षमा मृदुता ऋजुता निर्लोपता आदि गुणों की प्रधानता है, इन आलम्बनों से मुनि शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होता है। अब यहाँ से शुरू होता है चौथा ध्यान जो हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। ये तीन बेस थे, आधार थे, इसके आधार से आपको शुक्ल ध्यान मिला। पहले आर्तरुद्र ध्यान में थे तो उसको है बताया, और धर्म ध्यान हम इससे पहले करते रहे तो उस पुण्य से हम यहाँ तक आ गए। अब हम धर्म ध्यानी भी है कि नहीं है, ये लक्षण इसमें आपको बता दिया। अब इसमें जिन मत में क्षमा, अब क्षमा कब आती है, जब आपका क्रोध शांत होता है। मृदुता ऋजुता और निर्लोपता, ये चारों कषाय के क्षीण होने पर ये चार गुण प्रकट होते हैं। क्षमा मृदुता यानी कोमलता, ऋजुता यानी सरलता, निर्लोपता यानी लोभ समाप्त हुआ। ये गुणों की प्रधानता, ये गुण जिसमें आएंगे, जिनके कषाय बिल्कुल क्षीण या उपशांत हो गए हैं, उनको शुक्ल ध्यान की पात्रता बनती है। इन आलंबनों से मुनि शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होता है। ये आलंबन अगर हम, ये आलंबन है जैसे सीढ़ी चढ़ने के लिए, क्षमा का सीढ़ी ली,
अभी आप झगड़े करके ध्यान में बैठो आपका ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन किसी छोटी सी बात भी तू हो गई तो तुरंत आपने उससे क्षमा याचना कर ली, फिर ध्यान में बैठो तो आपका ध्यान में मन लगेगा और तुरंत आगे बढ़ जाओगे। ऐसी कोमलता, ऐसी सरलता, ऐसी निर्लोभता जिनका सारा लेकर साधु शुक्ल ध्यान पर आरोहण करता है। क्रोध मान माया लोभ चार कषाय के क्षय से चार गुण प्रकट होते हैं। क्रोध विजय से क्षमा, मान विजय से मार्दव, माया विजय से आर्जव, लोभ विजय से निर्लोभता। ये ही शुक्ल ध्यान के चार आलंबन है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, मुक्ति। जो आत्मा को स्वभाव में टिकाने में ठहरने में सहायभूत हो उसे धर्म ध्यान का आलंबन कहते हैं। जो शुक्ल ध्यान में श्रेणी आरोहण कषाय की मंदता पर निर्भर करता है, यानी धर्म ध्यान में हमको ठहरने में सहयोग देते हैं उसको तो क्या कहा, जो आत्मा के स्वभाव में टिकाने में ठहराने में सहायक होते उसे धर्म ध्यान के आलंबन कहते हैं। धर्म ध्यान के चार आलंबन पहले लिए हमने, है ना, आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय, संस्थान विजय। वे हमारे को ध्यातव्य और उसका परिणाम, और आलंबन पहले लिया हमने वांचना, प्रेक्षणा, परावर्तना और अनुप्रेक्षा, ये चार आलंबन। ऐसी इसमें ये चार ठहराने में सहायक होते उसे धर्म ध्यान का आलंबन कहते हैं। शुक्ल ध्यान में श्रेणी आरोहण यानी सीढ़ी चढ़नी है। चतुर्थ गुण स्थान हमको स्पर्श हुआ वहाँ से शुक्ल ध्यान की शुरुआत होती है, है ना, तो फिर वहाँ से श्रेणी चढ़ते हैं। श्रेणी आरोहण कषाय की मंत्र निर्भर करता है। क्षमा आदि गुणों में जितनी दृढ़ता एवं वृद्धि होती जाती है उतनी शुक्ल ध्यान में प्रगति होती है। क्षमा आदि चारों गुणों में जितनी आपकी वृद्धि होती जाएगी उतना आपका शुक्ल ध्यान बढ़ता जाएगा। अपने भीतर गहरे मौन और शांति में प्रवेश करें। मैं आत्मा वर्तमान क्षण में अपने भीतर जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लीजिए। न भूतकाल का चिंतन, न भविष्य की कल्पना, बस वर्तमान क्षण में आते जाते श्वास के साथ गहरे गहरे शांति में प्रवेश करें। किसी विचार घटना को महत्व न दें, वर्तमान में रहें। मैं आत्मा आत्मा है, आत्मा नित्य है। किसी अपेक्षा से आत्मा कर्म का करता है तो कर्म का भोक्ता भी है। कर्ता और भोक्ता भाव से कर्म का बंध है तो उससे मुक्ति भी है, और मुक्ति का उपाय सद्धर्म है। इस प्रकार इन छह पदों को समझकर हम प्रतिपल प्रतिक्षण वितराग मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। ये अनेकांत का मार्ग है, एकांत का मार्ग नहीं। छह पदों को स्वीकार करते हुए जीव मुक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता जाए वितरागता की साधना से। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित हमारा शुद्ध हो, सद्गुण सी भर जाए।
सेवा करुणा प्यार मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार मन मानस लहराए, सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न खोए, सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न खोए, सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल हो, सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबको महावीर की आत्मदृष्टि मिले, इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें, एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जैनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तबो देवावितंग, नमं शांति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे शरणं और न शरण अजर अमर पद होगा उसका सदा।